लालू यादव से 29 जनवरी को ईडी पूछताछ करेगी, ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तो जमीन के बदले नौकरी मामले में ये पूछताछ होगी, बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। लालू से 29 जनवरी को ईडी पूछताछ करेगी, तो तेजस्वी यादव से 30 जनवरी को ईडी पूछताछ करेगी। ये पूरी पूछताछ जो है वो एक मामले को लेकर है जो कि लैंडफॉल जॉब से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर इससे पहले भी पूछताछ का दौर चला है और अब ये नई तारीख सामने आई है जब तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव दोनों से अलग अलग तारीखों पर सवाल जवाब किए जाएंगे। और लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई, एक तरफ सरकार पर संकट है यानी कभी भी गठबंधन टूट सकता है, औपचारिक ऐलान बस बाकी है, और दूसरी तरफ अब लालू परिवार की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि ईडी फिर से पूछताछ करेगी और ये लंबा मामला चल रहा है। जब वो रेल मंत्री थे देश के उस वक्त ये पूरा प्रकरण सामने आया था, फिर ये जांच में और मामले सामने आए और ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी उनसे पूछताछ करेगी। उत्कर्ष लगातार बने हुए हैं ग्राउंड जीरो पर। उत्कर्ष, एक तरफ सरकार से कभी भी बाहर हो सकती है आरजेडी और दूसरी तरफ लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं, अब आगे क्या करेंगे लालू यादव? बिल्कुल, देखिए लालू परिवार की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं और साथ ही साथ सरकार बचाने की जद्दोजहद में जिस तरीके से लालू यादव लगे हुए थे, कहीं ना कहीं उनकी खुद की परेशानी भी बढ़ती नजर आ रही है। देखिए लालू यादव से 29 जनवरी को अब ईडी पूछताछ करेगी, वहीं तेजस्वी यादव से 30 जनवरी को। इससे पहले भी लालू यादव को समन भेजा गया था तो लालू यादव ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए वो नहीं गए थे और तेजस्वी यादव ने भी स्वास्थ्य का ही हवाला दिया था, इस वजह से तेजस्वी यादव भी नहीं गए थे। लेकिन अब देखिए, एक तरफ जहाँ सरकार टूट रही है, तेजस्वी यादव जद्दोजहद कर रहे हैं कि कैसे भी सरकार बचाई जाए, वैसे ही अब ईडी के द्वारा जो समन है वो भेजा गया है और तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव को भी हाजिर होने कहा गया है। देखिए पूरा मामला लैंड फॉर जॉब मामले का है जहां पर लालू यादव पे चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई थी। इसके बाद तेजस्वी यादव, उनकी बहन मीसा भारती, राबड़ी देवी, तमाम नेताओं पर, लालू परिवार के जो लोग हैं उन पर चार्जशीट दाखिल की गई थी और अब जो परेशानी है वो दोनों तरफ से बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ जहां फ्लोर टेस्ट की कोशिश थी, सरकार बचाने की कोशिश थी, बिहार में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के तौर पर तेजस्वी यादव थे, वहीं दूसरी तरफ अब दोनों बड़े नेताओं को, आरजेडी के बड़े नेता या यूं कह लें कि पूरा राबड़ी परिवार जो है वो परेशानी में नजर आ रहा है। राबड़ी देवी से भी पूछताछ होनी है, लालू यादव से ही पूछताछ होनी है, तेजस्वी यादव से भी। हालांकि 29 तारीख को पहले लालू यादव को बुलाया गया है तो लालू यादव की परेशानियां ज्यादा बढ़ी हुई हैं। तेजस्वी यादव पर भी लैंड फॉर जॉब मामले में कई तरह की बातें जो है वो आई थी, चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई थी, करीब 1700 से ज्यादा पेज जो थे जो चार्जशीट में दाखिल किया गया था सीबीआई और ईडी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो अब दिख रही है लालू यादव की, क्योंकि एक तरफ बिहार में सत्ता परिवर्तन होता नजर आ रहा है, थोड़ी देर पहले ही लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव अपने सरकारी आवास पर विधायकों की बैठक करते हैं जहां पर लालू यादव को अधिकृत किया जाता है। इस वक्त लालू प्रसाद यादव के परिवार के सामने, क्योंकि लगातार पूछताछ का दौर चल सकता है।